अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशंस। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। ऐसे तमाम कैंडिडेट्स जिन्होंने AFNS में अप्लाई किया था, अब आपके इंटरव्यू चल रहे हैं। आज की वीडियो में भी कुछ अहम क्वेश्चन जो कि हमारे जो मुल्तान सेंटर में इंटरव्यू दे के हैं स्टूडेंट्स, उनसे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं के क्वेश्चन में से कुछ अहम क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि खासतौर पर जो बायोलॉजी के क्वेश्चन है कहाँ से पूछे जा रहे हैं, और कॉमन क्वेश्चन भी आपको एंड में बता दूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तर एडमिशंस की, स्कॉलरशिप्स की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो उस कल भी मैंने जो हमारी कैंडिडेट्स इंटरव्यू दे के आई थी उन्हीं का वॉइस मैसेज आपसे मैंने इसी चैनल पे कल भी शेयर किया था, उनका इंटरव्यू भी एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर किया था। आज की वीडियो में मजीद सेकंड जो हमारी कैंडिडेट थी मुल्तान सेंटर में जिनका इंटरव्यू हुआ है उनके क्वेश्चन भी आपसे शेयर कर देता हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें। अगर हम बात करें सबसे पहले बायोलॉजी के क्वेश्चंस की, तो बायोलॉजी का जो आपका फर्स्ट ईयर का एंजाइम्स वाला चैप्टर है उधर से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स फर्स्ट ईयर का जो सेकंड चैप्टर है प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स वाला, उधर से भी आपसे जो क्वेश्चन है मुल्तान सेंटर में डिफरेंट कैंडिडेट्स से जो बायोलॉजी के क्वेश्चन थे वो डिफरेंट पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स आप अपना जो है वो अच्छे तरीके से कोई ना कोई टॉपिक दो चार अच्छे तरीके से तैयार करके जाए। तो प्रोटीन वाला टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे गए, इसके बाद आपका एंजाइम्स वाला चैप्टर है उधर से क्वेश्चन पूछे गए, आपके विटामिन्स के हवाले से क्वेश्चन पूछे गए हैं। विटामिन्स के अलावा सिस्टम, आपका यूरिनरी सिस्टम है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से काफी सारे सवाल पूछा गया है। तो आप जो है वो ये सिस्टम के हवाले से डाइजेस्टिव सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर आपका जो है वो यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इनमें से कोई भी सिस्टम अच्छे तरीके से तैयार करके जाए। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा ईजी है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाए। जो भी आप उनको टॉपिक बताएंगे, आपसे पूछेंगे कि वो कौन सा जो है वो आपको सिस्टम अच्छे तरीके से आता है, तो आप जो है जो भी उनको टॉपिक बताएंगे उन्हीं में से वो डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो ये स्टूडेंट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपके हार्ट के हवाले से और विटामिन्स के हवाले से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा किडनी फंक्शन और किडनी के जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से आपको पता होना चाहिए, नेफ्रॉन के हवाले से आपको पता होना चाहिए, लोकेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड, इनकी जो लोकेशन है उसके हवाले से भी आपको आइडिया होना चाहिए। टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स, ग्लैंड्स की जो टाइप्स हैं वो कितनी है और इनकी एग्जाम्पल्स, ये भी ये सवाल पूछा गया। रोल ऑफ फिजिक्स इन ह्यूमन बॉडी, ये सवाल आपसे स्टूडेंट से पूछा गया है। हाउ वी सी थ्रू आईज, ये सवाल भी पूछा गया है। ह्यूमन आई का साइज कितने, आईज वाला टॉपिक जो आपका जो है वो नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी में है, उसको आपने गो थ्रू कर लेना है। रेटिना वगैरह इंटरनल पार्ट्स के हवाले से आपने गो थ्रू कर लेना है। तो बायोलॉजी के ये मुल्तान सेंटर में एक कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मुल्तान सेंटर में स्टूडेंट्स डिफरेंट स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछे गए थे बायोलॉजी की। इसके अलावा और भी काफी सारे क्वेश्चन थे, लेकिन अगर हम बात करें कॉमन क्वेश्चन की, तो कॉमन क्वेश्चन आपके वही है, आपका इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है आपका, आपके हॉबीज है, हॉबीज के अलावा आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, आपके सिटी के हवाले से फेवरेट चीज, और आपका जो सिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा अगर है तो उसके हवाले से आपको आइडिया होना चाहिए। आपके पेरेंट्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स के हवाले से आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपने अपने हॉबीज वही बताने जो आपने परफॉर्मेंस में फील करते वक्त बताए थे, फील किए थे परफॉर्मेंस में, अदरवाइज वो आपसे जो है वो डिफरेंट, अगर उनके पास सारा डाटा होगा आपका, अगर आप कुछ और बताएंगे तो फिर आप जो है वो उधर पता चल जाएगा उनको कि आप जो है वो दो नंबर ही कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो आपने जो भी परफॉर्मेंस में अपने हॉबीज वगैरह मेंशन किए थे वही बताने हैं। तो जो भी आपने हॉबी आपका जो है वो एक्चुअली है रियल में हकीकतन, वही आपने बताना है। अदरवाइज वो अगर आपसे जो है वो डिफरेंट आपके हॉबीज के हवाले से अगर आप उनको बुक्स रीडिंग बताएंगे तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी हैं, कौन सी बुक्स का आथर कौन है, इसके अलावा मरकजी ख्याल वगैरह आपसे पूछ सकते हैं। तो इन क्वेश्चन क्वेश्चन से आप जो है अच्छे तरीके से तैयार करके जाए। अपना इंट्रो, इंट्रो में आपने रिहर्सल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। बाकी बेस्ट विशेज हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आप जो भी स्टूडेंट्स इंटरव्यू देके आ रहे हैं स्टूडेंट्स, आप मजीद भी हमें जो है वो आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर जाके कॉन्टैक्ट करने के बाद अपना एक्सपीरियंस आप मजीद भी शेयर करें अपने इंटरव्यू देने के बाद। बाकी बेस्ट विशेज हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।